गुलबर्गा शहर में अलसेई टूर्स एंड ट्रैवल्स की जानिब से 5 अक्टूबर रबी अव्वल उमरा ग्रुप के लिए एक रोजा उमरा ट्रेनिंग कैंप केबीएन रेसिडेंसी लॉज में ऑर्गेनाइज किया गया था, जहां तमाम उमरा जाने वाले मर्द और खवातीन मौजूद थे। इस मौके पर तमाम को उमरा जाने से लेकर वापस आने तक के तमाम जरूरी अहकाम सिखाए गए हैं। अलसेई टूर्स एंड ट्रैवल्स शहर का एक कदीम टूर्स एंड ट्रैवल है, जिसके जरिए हजारों लोग हज और उमरा की शहादत हासिल कर चुके हैं। अगर आप भी हज और उमरा जाने की ख्वाहिश रखते हैं और एक बेहतर टूर्स एंड ट्रैवल्स की तलाश में हैं, तो अलसेई टूर्स एंड ट्रैवल्स आपकी खिदमात के लिए मौजूद हैं। मजीद जानकारी के लिए आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें या फिर गुलबर्गा मिजगोरी अपोजिट अल करीम होटल फर्स्ट फ्लोर पर अलसेई टूर्स एंड ट्रैवल्स के ऑफिस को आप विजिट कर सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए नंबर पर भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। उन लोगों के लिए भी कोई मुश्किल नहीं है। देख लो, दो चादरें लेना है, एक चादर नीचे तैबंद की के तौर पर इस्तेमाल होगी, दूसरी चादर ऊपर चादर के तौर पर इस्तेमाल होगी। अब इसके इस्तेमाल का तरीका, इसके बांधने का तरीका क्या है देख लें। एक तो जो शक्ल ये है कि आप इसको दो हिस्सों में अपने सामने ला लें, एक हिस्सा अंदर के हिस्से में, एक हिस्सा बाहर के हिस्से में, इसको जो है ना आप मीडिया बना के यहाँ पर टोप लिया, खत्म हो गया। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका क्या है आपको मैं बता देता हूँ। इस तरह से एक लिए एक हिस्सा इधर, एक हिस्सा इधर, तमाम ये हो गया। तीसरा एक तरीका जो उमूमी तौर पर मैं इस्तेमाल करता हूँ, वो क्या करेंगे आप, ये दोनों चादर के दोनों किनारों को अपने दोनों उंगलियों में पकड़ लेंगे, सीधी तरफ का हिस्सा आप अपनी बाएं फसली में ले लेंगे, यहाँ पर अपनी कोनी को टिका देंगे और उसके बाद में ये कोनी को टिका दिए, उसके बाद में ये भी सीधी तरफ का हिस्सा इधर खींच लिए। ये तीन हिस्सों में तकसीम हो गया। कितने हिस्सों में तकसीम हो गया? तीन हिस्सों में तकसीम हो गया। ये दो हिस्से वाला हिस्सा सीधी तरफ, एक हिस्से वाला हिस्सा बाईं तरफ, ये आप टोक लिए, खत्म हो गया, आपका एहराम बन गया। ये देख लो कि ये चेहरे को नहीं लगता है, ये चेहरे से दूर रहती है, ये सामने वाली जो कैप की पट्टी होती है वहां से आप पर्दा डालेंगे तो वो चेहरे से दूर रहता है। हिजाब भी, निकाब भी, पर्दा भी हो रहा है और चेहरे को कपड़ा भी नहीं लग रहा है। अच्छा, चेहरे को कपड़ा नहीं लग रहा है, हिजाब भी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। बात जो है ना, और लोग मसाइल से नावाकिफ लोग लोगों को क्या करते हैं, आपका वजू का वक्त आ गया है, वजू कर लीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आखिरतु लिल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यदिल अंबियाए वल मुरसलीन मुहम्मद व आलिही व सहबिही अजमईन, अम्मा बाद। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का एहसान है कि अल्लाह ताला ने अपने करम से अलसेई टूर्स एंड ट्रैवल्स से हज़ारों की तादाद में मोतमरीन और हुज्जाज कराम मुस्तफ़ीद हुए हैं। हज़ारों की तादाद में हज का सफ़र हमारे ग्रुप से लोग किए हैं, आज तक के किसी की तरफ से कोई शिकायत नहीं आई, और हज़ारों की तादाद में उमरे वाले उमरे का सफ़र किए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह आज तक के कोई शिकायत नहीं है। इक्का दुक्का जो है ना शिकायत वाले होते हैं, नहीं बोल के नहीं हैं, उमूमी तौर पे 95% या 99% लोगों की तरफ से शिकायतें नहीं हैं। इक्का दुक्का जो है ना शिकायतें वो होती हैं, तो खैर वो गलत फहमियों की वजह से या नहीं समझने की वजह से होती हैं। बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ग्रुप से जितने भी जाने वाले हैं सब लोग मुतमईन होकर आ रहे हैं। हमारी तरफ से जो सर्विसें दी जाती हैं वो मियारी किस्म की होती हैं। एयरलाइंस भी जो है ना अच्छी एयरलाइंस का हम इनखात करते हैं, मुंतखब करते हैं, सेलेक्ट करते हैं। रिहाइश भी जो है ना हुज्जाज कराम के लिए जो सहूलत की होती है मियारी, उन रिहाइशों का इंतज़ाम करते हैं। खाने में हमारा हाथ तो अब तक के तजुर्बा है, बड़े बड़े जो है ना दूसरे जो है ना बड़े बड़े सूबों के बड़े बड़े ट्रैवल्स कदीम ट्रैवल्स वो लोग भी जो है ना हमारा हाथ नहीं पकड़ सके, वैसे जो है ना मियारी खानों का भी जो है ना हमारी तरफ से इंतज़ाम होता है। रहबरी में ख़दम ख़दम पर हमारी रहबरी होती है, पूरे अरकान की अदायगी में भी, ज़्यारतों के मामले में भी, और वो कुछ जो है ना ऐसी यानि हमारी तरफ से सहूलियात और ऐसी ऐसी ज़्यारतें करवाई जाती हैं जो उमूमी तौर पे लोगों के जहम वहम गुमान में भी नहीं होता। ख़ास तौर पे
सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत साहब इकराम के ज़माने की वो कदीम ज़ियारतें जो अमूमी तौर पर नए यानि हरमैन शरीफान की नई तामीर की वजह से वो यानि गायब हो गई हैं, बहुत से लोग नावाकिफ़ हैं, वैसी तमाम ज़ियारतों का भी जो ना हम लोगों की तरफ से पेशकश होता है और हुज्जाज इकराम को हमारी रहबरी में उन तमाम ज़ियारतें करवाई जाती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हर ग्रुप में एक दो जो है ना हमारे घर के अफराद होते हैं। अभी ये जो अक्टूबर को ग्रुप जा रहा है इसमें चार हमारे घर के अफराद हैं, जिसमें उलमाए इकराम मसाइल से वाकिफ़ होने वाले तजुर्बेकार गाइड्स भी जो है ना साथ में हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मसाइल की रोशनी में पूरे अरकान अदा होते हैं, मसाइल एक एक बारीक बारीक मसला जो है ना अमूमी तौर पर बहुत सारे लोग नावाकिफ़ होते हैं, उन तमाम मसाइल की रोशनी में तमाम अरकान की अदायगी में हमारी रहबरी होती है। इसी हज के बाद जो पहला काफिला गया हुआ था 12 सितंबर को, उसके बाद दूसरा काफिला 5 अक्टूबर को जा रहा है, इसी तरह से तीसरा काफिला इंशाल्लाह 12 नवंबर को रवाना होगा, चौथा काफिला 3 दिसंबर को रवाना होगा, ऐसे ही फिर आइंदा साल के लिए जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल रमज़ान मुबारक हर महीने के अंदर इंशाल्लाह हमारे काफिले उमरे के रवाना होते रहेंगे। इसके साथ साथ इंशाल्लाह 2023 के लिए हमारा बड़ा हज का कोटा भी आने वाला है, हज की बुकिंग भी अभी से जारी है। जो अहबाब हज या उमरे से हमारे मुस्तफीद होना चाहते हैं हमारे ग्रुप से सईद टूर्स एंड ट्रैवल्स हमारे इदारे से, वो हमारे से तफसीलात हमारे दफ्तर पे आकर मालूमात कर लें, इंशाल्लाह जो है ना उनको वाकफियत करवाई जाएगी। उम्मीद है इंशाल्लाह आइंदा महीनों में हमारे ग्रुप की तरफ से एक नई जो है ना पेशकश होने जा रही है। नई पेशकश क्या है? आप लोगों के लिए इंशाल्लाह बैतुल मुक़द्दस का भी जो है ना सफ़र का इंतज़ाम किया जा रहा है। ये हम सब एजेंट बल्कि काम नहीं करते, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तरफ से पूरे इंतज़ाम हमारी निगरानी में हमारी तरफ से होते हैं। तो इंशाल्लाह आइंदा महीनों में इंशाल्लाह उम्मीद है आइंदा महीने में इंशाल्लाह बैतुल मुक़द्दस का भी जो है ना इंशाल्लाह सफ़र होगा। उसके साथ साथ और बहुत सारे यानि असफ़ार हैं, जॉर्डन का सफ़र होगा जहाँ पर हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम का जो है ना नबी बनाकर भेजे गए थे, ऐसे ही आपके क्या बोलते दूसरे मिस्र का सफ़र होगा जहाँ पर हज़ारों अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम के मुबारक कदम पड़े हैं, फ़लस्तीन का सफ़र जहाँ पर हज़रात अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम का वहाँ पर क़ियाम रहा आराम फरमा रहे हैं, ये तमाम चीज़ों की जो है ना आप लोगों को सहूलतें सईद टूर्स एंड ट्रैवल्स से इंशाल्लाह आइंदा दी जाएंगी। अल्लाह ताला इन तमाम सहूलियात को कबूल फरमा ले। हुज्जाज इकराम जो सफ़र को जा रहे हैं, मोतमरीन सफ़र को जा रहे हैं, अल्लाह इनको सेहत व आफियत के साथ पूरे अरकान आसानी के साथ अदा करने का मौका इनायत फरमा दे, इनकी सही रहबरी हो जावे, आफियत के साथ अल्लाह ताला इनको अपने अपने वतनों को आफियत के साथ सेहत व तंदुरुस्त के साथ लौटा दे। हमारे सईद टूर्स एंड ट्रैवल्स का जो दफ्तर है ऑफिस है आप लोगों को मालूम होगा, फिर भी मैं बता रहा हूँ, मिजगुरी पे मेन मिजगुरी जो तरकारी मार्केट की कमान है, अलकरीम होटल के सामने पहले मंजिल में सईद टूर्स एंड ट्रैवल्स का दफ्तर मौजूद है। आप लोग बिर्रास्त हमारे दफ्तर में आके हमसे मुलाकात कर सकते हैं, हमारे कांटेक्ट नंबर्स भी हैं वो भी नोट फरमा लें। मैं सईद टूर्स एंड ट्रैवल्स का जो प्रॉपरेटर हूँ, मेरा कांटेक्ट नंबर 9900404121, ये मेरा कांटेक्ट नंबर है। और हमारे जो भतीजे और जो ना ऑफिस में जो पूरे जो ना निगरानकार हैं मीर मुदब्बिर अली ख़ान, इनका नंबर भी नोट कर लें 9739920495 9739920495। वैसे और बहुत सारे जो है ना कांटेक्ट नंबर्स जिनसे रब्त पैदा कर सकते हैं वो आप लोग जो है ना जो सोशल मीडिया है उसके अंदर आप देख सकते हैं और जो लोकल न्यूज़पेपर्स हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद नज़ीरुद्दीन खरादी, 12 सितंबर को मैं अल सईद टूर्स एंड ट्रैवल्स के थ्रू उमरे के लिए गया था, वहाँ पे यहाँ से मैं हैदराबाद के लिए रवाना हुआ। हैदराबाद को जाने के बाद वहाँ से सऊदी एयरलाइंस के ज़रिए मेरे को ताहर भाई मक्का शरीफ ले गए, जिद्दा से मक्का गए,
मक्का में भी इतनी खरीब बिल्डिंग थी कि बिल्कुल जमजम टावर, कलाक टावर जिसको बोलते हैं, उसके बाजू बस स्टैंड है, बस स्टैंड के बाजू बिल्डिंग हमारा ख़याम का था। वहाँ से मैं बहुत से बहुत हमको 5 मिनट नहीं लगते थे। अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे हमको आराम से उमरा हो गया। उमरा होने के बाद उनके खाने का भी इंतज़ाम जो है बहुत बढ़िया है। हम 15 दिन में उतने आइटम नहीं खाते थे, उतने खाने को मिले। मच्छी, तीतर बटर, पाए बकरे के, हर चीज़ खाने के वास्ते कोई शिकायत नहीं हुई। और बिल्डिंग भी इतनी साफ़ सुथरी, बेड भी इतने साफ़ सुथरे थे, हमको कोई एक पैसे के उधर सोचने के ये नहीं हुआ। वहाँ से फिर हमको ताइफ ले गए, ताइफ से वहाँ से हम उमरा के लिए वहाँ से भरे ये कर लेके आए। और तकरीबन वो हमारे पैकेज में नहीं था, वो अल सईद वालों की तरफ से गिफ्ट था, वो वहाँ पर लेके जाके ला लिया हमको। और उसके बाद वहाँ पर पूरे 7 दिन हो गए। 7 दिन होने के बाद फिर लग्जरी गाड़ियों में, एक बढ़िया गाड़ियाँ थे, एसी फुल प्रेशर में था, वहाँ से हमको मदीना ले गया गया। मदीने में भी बिल्कुल मक्के से भी फिर करीब एक ही रोड क्रॉस करने का उतना टाइम था। उतने टाइम में हम मस्जिद हरम के नबी की गेट में दाखिल होते थे। वहाँ का भी बहुत बढ़िया इंतज़ाम था। मस्जिद नबी का तो माल, वहाँ का तो नरमी का मामला है, चाहे और सुकून का एरिया है। फिर हमको कोई ऐसा ये नहीं हुआ वहाँ पे जाने के बाद मार्केट घूमने का दिल ही नहीं हुआ हमको। हम सीधा सीधा मस्जिद नबी, नबी से हरम या होटल, होटल से आके फिर हमको पूरा फिर हैदराबाद जिद्दा मदीने से फिर हमको वहाँ भी जंगे बदर लेके गए। वहाँ के भी ख़ास ख़ास मुकामात को ज़्यारत कराए। मस्जिद नबी में हम तकरीबन जने नहीं बताते वो मुखा, वो जो चीज़ें भी बताए वहाँ पे, जो परनाला है, वो एक परनाले के मस्जिद नबी के अंदर वो ख़ास है। बहुत गौर से देखने के बाद मालूम होता है, वो ताहिर भाई के तजुर्बे की वजह से हमको उतना मालूम हो गया। उसके बाद वहाँ से जिद्दा आया। जिद्दा से अल्हम्दुलिल्लाह कोई एक पैसे की तकलीफ़ नहीं हुई खाने के बारे में, मीठे के बारे में। और कोई अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ऊपर ये भी था कि कोई बीमार भी नहीं हुआ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुह। आज बरोज़ इतवार दक्कन रेसिडेंसी केबियन रेसिडेंसी में अल सईद टूर्स एंड ट्रैवल्स की तरफ से मोतमरीन के लिए एक रोज़ा ट्रेनिंग कैंप रखा गया था, जिसमें रहबरुल हुज्जाज जनाब मीर ताहिर अली ख़ान साहब और उनके बिरादर सगीर हाफिज़ मीर आमिर अली ख़ान साहब रहनुमाई करे हैं। और इंशाल्लाह 5 अक्टूबर के दिन ये ग्रुप तकरीबन 72-70 के तकरीबन आसपास मोतमरीन उमरे के लिए रवाना होंगे, जिसमें ग्रुप लीडर मीर मुदस्सिर अली ख़ान और जनाब मीर ताहिर अली ख़ान साहब के बिरादर सगीर हाफिज़ मीर आमिर अली ख़ान साहब रहनुमाई के लिए रहेंगे। और वहाँ पर भी पहुँचने के बाद इंशाल्लाह हमारे एक जनाब ताहिर अली ख़ान साहब के एक भतीजे मीर मुत्तहिर अली ख़ान और एक भतीजे मीर हम्माद अली ख़ान हैं, वो ग्रुप की रहनुमाई करेंगे इंशाल्लाह। इसी तरह हर महीने अल सईद टूर्स एंड ट्रैवल्स की जानिब से उमरे के ग्रुप बनते रहेंगे इंशाल्लाह। आप हजरात अगर उससे इस्तेफादा करना चाहते हैं तो आप ज़रूर इस्तेफादा कर सकते हैं। उसके लिए रहनुमाई के लिए नंबर प्रोप्राइटर साहब का नंबर मीर ताहिर अली ख़ान साहब 9900404121, इससे आप रابطہ कर सकते हैं इंशाल्लाह। ये हजरात आपकी रहनुमाई फरमाएंगे।